अस्सलाम वालेकुम, अलीसा के किचन में वेलकम। आप सब उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज अलीसा के किचन में पकाने जा रही हूँ, मैं बनाने जा रही हूँ। मैंने सोचा आज थोड़ी सा डिफरेंट हो जाए, रेगुलर की बेस पे जो हम खाने बनाते थे वो बनाया है देसी। तो आज मैं मोरक्कन चिकन बना रही हूँ, मगर अपने अंदाज़ में, ठीक है। तो इसके लिए मैंने जो ये लिए हैं ब्रेस्ट चिकन लिए थे, ये टू होते हैं, ये जो दो जॉइंट्स होते हैं इसके मैंने हाफ ऑफ कर लिए और इसकी कटिंग कर ली थी, उसको थोड़ा सा फैला लिया था। ये देखें इस स्टाइल में ऐसे करके, ये देखें मोरक्कन चिकन है ये, मगर मेरे स्टाइल में थोड़ा डिफरेंट बनाती हूँ, लेकिन बहुत ही टेस्टी, बहुत ज़बरदस्त होगा। तो ये मैंने इसका ये कर लिया था। अब इसमें मैं जो जो चीज़ें ऐड करूँगी, पहले इसके साथ विद सॉस के साथ ये बना रही हूँ, राइस के साथ भी बनाते हैं लेकिन हम लोग जो है ज़्यादा शौक से बस सॉस के साथ खाते हैं। ये वेजिटेबल्स हैं, ये खाने के लिए अलग से मैं इसे सौते करूँगी। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए लहसुन। मैंने ये इसे मोटा मोटा कूट लिया है, 1 टेबल स्पून लहसुन। अच्छा, ये ऑरिगेनो, 1 टीस्पून ऑरिगेनो, 1 टीस्पून पार्सले है, ये ड्राई पार्सले, फ्रेश भी होता है, हमारे यहाँ पे तो नहीं मिलता पार्सले। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाला है, और 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, और अब मैं इसमें ये डाल रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट, 2 टेबल स्पून डालने होंगे। तो ये 1 टीस्पून, ये 1 टीस्पून, 1 टेबल स्पून हो गया, ये 2 टेबल स्पून के करीब हमने मस्टर्ड पेस्ट डालना होगा। ठीक है, अब हम इसे मैरिनेट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे सबको। इसे वैसे तो रखना चाहिए 2 घंटे तक, लेकिन टाइम हमारे पास नहीं है क्योंकि शॉर्ट है, तो हम इसे हाफ आवर्स, बस आधा घंटा रखेंगे, ताकि फिर जब तक ये आधा घंटा हो जाए रहेगा, इसे अच्छी तरीके से हम मैरिनेट कर लेंगे, इसका सॉस बनाएंगे अच्छा सा, मज़ेदार सा चटपटा, सबको पसंद बहुत आएगा। जी देखें, ये मैरिनेट हो चुका है अच्छी तरीके से। ले अब मैं इसे आधे घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरीके से इसमें मसाला चले जाए। ठीक है, जब तक मैं इसका, इसकी भी वेजिटेबल्स हैं ये, इसका सॉस बनाती हूँ। जी तो सॉस इसमें वेजिटेबल्स करूँगी, इसमें ये है सॉस बनाती हूँ। चलें जी, अब हम चिकन को फ्राई करना शुरू करते हैं। इसका फ्लेम जो है हमने मीडियम लो पर रखना है, इसको हाफ आवर्स तक के लिए मैंने रखा था। ये देखें, ये अब इसमें मैं ऑयल डालूँगी, इसे फ्राई कर लेंगे। मैंने पैन लिया है, ग्रिल पैन है ये, इसको मैरिनेट कर दिया था अच्छे तरीके से। जी चलें, बिस्मिल्लाह। ये चन से इसकी आवाज़ आई, ये टू,
ये तो आ जाएंगे इसमें, इतना बड़ा है ये पैन, कितनी आ जाएंगे, बस एक हम बाद में कर लेंगे जी। ये देखिए ऑयल गर्म हो गया, इसकी आवाज़ आना शुरू हो चुकी है। जब तक ये यहाँ हो रहा है, जब तक चिकन वहाँ हो रही है, तो हम वेजिटेबल्स को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर सौते करेंगे बस, ज़्यादा नहीं, इसमें सिर्फ थोड़ा सा सॉल्ट डाल देंगे, इतना सा मैंने ऑयल डाला है बस, ताकि इसका थोड़ा सा ग्रीस हो जाए, चाहे तो थोड़ा सा और भी डाल दें, नो प्रॉब्लम जी। इसको फिर वेजिटेबल्स को, एक मैंने ग्रीन चिली भी रख ली है, ये मैं खाती हूँ शौक से जी। ये कैरेट है, कैप्सिकम, शिमला मिर्च, और ये कैबेज है वाइट। आप कैप्सिकम और कलर की भी डाल सकते हैं, कलर की जो होती है, रेड भी होती है, येलो भी होती है, आप उसके वो डाल सकते हैं। और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा सॉल्ट फ्राई करूँगी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, ये देखें अपने इसे। अच्छा, कैबेज जो है मैंने मोटी मोटी सी काटी थी, आपको पतली पतली बारीक नहीं काटनी, क्योंकि ये फॉक से पकड़ उठाने में आसानी रहती है आपको खाने में। जब ये थोड़ी गर्म हो जाएगी फिर वेजिटेबल्स, फिर इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त आती है। जो कि आना शुरू हो चुकी है, आप ट्राई करेंगे आपको ज़रूर पसंद आएगी ये, क्योंकि ये मैं थोड़ा अपने स्टाइल में बना रही हूँ। इस टाइप की होती है कि एक्चुअली हम लोग तो चाइनीज़ भी पता है, एक्चुअली चाइनीज़ तो खाते ही हैं हम, पाकिस्तानी चाइनीज़ को पाकिस्तानी स्टाइल में बना के खाते हैं, क्योंकि वैसे तो हमसे खाए भी नहीं जाएंगे। तो ये टाइप की चिकन होती है बस, इसकी खुशबू आना शुरू हो चुकी है, बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल आ रही है जी। बाल भूंगन जी, ये देखें ये डन हो चुकी है, अब हम इसे कवर कर देंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। ये देखें, ये मैं अब इस चिकन को पलट रही हूँ, ये इसकी शक्ल देखें, ये देखें, इसको मैंने पलट दिया, तकरीबन 15 to 20 मिनट इस ये साइड पकेगा, इंशाल्लाह ताला रेडी हो जाएगी। तो जब तक हम इसका सॉस बनाते हैं, सॉस बनाने के लिए हमें चाहिए ये 1 टेबल स्पून गार्लिक कटा हुआ बारीक बारीक सा मैंने काट लिया है, ये लहसुन, 1 प्याज दरमियानी, इसमें मैंने ऑरिगेनो थोड़ा सा हाफ से भी क्वार्टर टीस्पून है, और पार्सले 1/4 टीस्पून, ये है चिकन पाउडर, और ये है फ्रेश क्रीम, ये कप लिया है मैंने फुल कप से, ये 1/4 कप है, और ये मिल्क है 1 कप। अच्छा जी, इसमें जो और डलेगा गार्ली, इसमें टोमेटो गार्लिक सॉस डलेगा,
और चिली सॉस करेगा और हॉट सॉस, ये आप अपने हिसाब से 2-2 टेबल स्पून इस टाइप का होगा, आपने अपने हिसाब से करना है, ठीक है। चलिए जी, अब हम जब तक ये चिकन पक रही है इसका सॉस तैयार करते हैं। अच्छा, इसका फ्लेम जो है ज़्यादा तेज़ नहीं रखना है क्योंकि जलने नहीं चाहिए ना, तो इसके सॉस के लिए हमने मैक्सिमम 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल लिया। इसमें मैंने ये लहसुन होता है ये डाल दिया, इसे थोड़ा सौते करूँगी मैं। जैसे इसकी खुशबू आना शुरू होगी इसमें मैं प्याज डाल दूँगी, अनियन डाल दूँगी। जल्दी जल्दी इसमें डालना होता है, आपने लेट नहीं करना होता, ठीक है। ये देखिए, ये हुआ, मैंने इसमें सारी प्याज डाल दी है। इसको मैं प्याज मैंने ऑमलेट कट काटी थी बारीक बारीक, इसका फ्लेम मैं और लाइट हल्का कर दूंगी, थोड़ी सी प्याज गदली गदली से हो जाए तो। ये देखिए, अभी अनियन हो रही है, देखिए इसकी शक्ल ऐसे है। मेरा कैमरामैन कभी मेरी बेटी बन जाती है, कभी मैं खुद ही बनती हूँ जी, कैमरा गर्ल। अच्छा जी, अब इसमें हम डालेंगे चिली सॉस, थ्री टेबल स्पून चिली सॉस, चिली गार्लिक सॉल्ट डालेंगे हम भी, वो भी 3 टेबल स्पून। और इसमें हम डालेंगे हॉट सॉस ओनली 1 टेबल स्पून, ठीक है। इसको थोड़ा मिक्स कर लेंगे, ये देखेंगे ऐसी शक्ल हो गई। ये खाने इतने मुश्किल नहीं होते हैं, बस इसमें होता है इसमें पार्ट बड़े होते हैं, 1 पार्ट ये इसका चिकन का करो, ये चिकन पाउडर भी मैं इसके साथ ही डाल रही हूँ जी। तो और मैं इसके साथ ये पार्सले और ओरिगेनो भी डाल रही हूँ। फ्लेम को मैं थोड़ा सा कर दूँगी, अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डालूँगी, हाफ टी स्पून के बराबर, बस जलना नहीं चाहिए, आप इसका ख्याल रखना है। देखिए आप, नमक भी मैंने डाल दिया इसमें, जिसकी ऐसी शक्ल हो गई। अच्छा जी, अब जो मैं क्रीम डालूँगी इसमें, इसको डाल के आपने रुकना नहीं है, जल्दी जल्दी मिक्स कर देना वरना ये फट जाएगी। देखिए क्रीम पूरी अच्छी तरीके से निकालेंगे,
इसको मिक्स कर देना है जल्दी से। ये देखें, जब क्रीम डाल पकाते हैं तो ये थोड़ा थिन होती है डालते हुए, लेकिन थिक हो जाती है फिर ये जी। अब इसमें मैं एक कप दूध भी डाल दूँगी। अब मैं इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा फ्लेम हम कर देंगे ताकि इसकी, अच्छा इसकी जो है इसे, इसका ये सॉस है, इसको हमने ना ज़्यादा थिक करना है और ना ज़्यादा थिन करना है, यानी ना ज़्यादा इसे पतला रखना है और ना ही बहुत ही गाढ़ा, क्योंकि जब चिकन के ऊपर डालेंगे तो खाएंगे तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा, तो वो बिल्कुल ही उसके साथ सॉस आएगा नहीं, और थिन होगा तो वो बह जाएगा बिल्कुल, पतला होगा तो वो नहीं। तो बस इसकी एक ही लेवल पे कंसिस्टेंसी रखनी है हमें, नॉर्मल मीडियम के। चलें जी, ये देखें ये हमें इतना चाहिए था, ये अभी मैं रखूँगी तो ये और गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया डन। अच्छा जी, अब इधर आ जाएं चिकन पे। चिकन ये देखें हो चुकी है, ये देखें पीछे की और अच्छी तरीके से गल भी गई है, ये देखें ये सब टूट रही है। मैं आपको स्टिक भी डाल के दिखा देती हूँ। ये देखें ये स्टिक है, ये सब जगह से ये अच्छी तरीके से हो चुकी है। मैं जो हूँ उसे डालूँगी। देखें जी, ये मैंने डिश आउट भी कर दिया है, ये वेजिटेबल्स हैं, ये इसके ऊपर मैंने सॉस भी डाल दिया जी, सॉस डाला है। अब इसकी कटिंग इसके साथ गर्म बहुत है। करने की इजाज़त चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, बनाएं, खिलाएं और खूब दाद वसूल करें। आई होप आपको पसंद आएगी मेरी ये वीडियो, ये रेसिपी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।